नमस्कार, आज हम जानने की कोशिश करेंगे रिसेप्टर्स थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को समझने से पहले कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फार्माकोलॉजिकल टर्म्स हैं, उन टर्म्स को जान लेते हैं ताकि हमें इस थ्योरी को समझने में आसानी हो। ये टर्म्स हमारी हैं रिसेप्टर्स, लिजेंड्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इंट्रिंजिक एक्टिविटी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। इनके बारे में हम लोग पहले डिटेल स्टडी कर चुके हैं, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। आज हम इसको शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि इनको इन वर्ड्स को हम कैसे डिफाइन करें। सबसे पहला वर्ड हमारा है दैट इज द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को डिफाइन करना, रिसेप्टर्स के बारे में फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर्स के बारे में कहा जाता है कि यह एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लिक एसिड है या स्पेशलाइज्ड प्रोटीनस मैक्रोमोलेक्युल्स हैं जो लिविंग सेल्स में पाई जाती हैं, और यह मैक्रोमोलेक्युल्स लिजेंड के साथ कंबाइन करती हैं और कंबाइन करके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। कोई भी जो प्रोटीनस मैक्रोमोलेक्युल्स हैं उसको रिसेप्टर्स कैटेगरी में रखेंगे, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यदि वो मैक्रोमोलेक्युल्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है तब हम कहते हैं कि दीज आर द रिसेप्टर्स इन फार्माकोलॉजी। सबसे पहला, इट हैज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल, या इसकी अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। दूसरा, ये रिसेप्टर्स के नंबर्स जो होंगे वो लिमिटेड होंगे, और चूंकि इनके नंबर्स लिमिटेड होते हैं तो इट इज ए सैचुरेबल इन नेचर। ये एंडोजीनियस लीजन के साथ कंबाइन करती हैं, उनकी एफिनिटी एंडोजीनियस लीजन से बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब ये एंडोजीनियस लीजन से कंबाइन करती हैं तो वहाँ पे कोई ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जब किसी मैक्रोमोलेक्युल्स में, किसी प्रोटीन मैक्रोमोलेक्युल्स में ये पांच कैरेक्टर्स पाई जाती हैं तब हम उस मैक्रोमोलेक्युल्स को कहते हैं इट इज रिसेप्टर। जब हम रिसेप्टर को डिफाइन कर रहे थे तो हम एक वर्ड आया लिजेंड। ये लिजेंड क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिजेंड के बारे में कहा जाता है कि यह एक्सोजीनियस भी हो सकता है और एंडोजीनियस हो सकता है। मीन्स कोई भी सब्सटेंस एक्सोजीनियस है या एंडोजीनियस है। एक्सोजीनियस कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा सब्सटेंस जो शरीर के बाहर से बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, और एंडोजीनियस सब्सटेंस कहने का मतलब हुआ कि वैसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर ही पाई जाती है। मीन्स लिजेंड एक एक्सोजीनियस या एंडोजीनियस सब्सटेंस है जो रिसेप्टर के साथ कंबाइन करती हैं, और कंबाइन करने के बाद वो वहाँ पे बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, या वो सेल के फंक्शंस को चेंज करती हैं, सेल्स के फंक्शन को अल्टर करती हैं, तब हम वैसे सब्सटेंस का नाम देते हैं दीज आर द लिजेंड। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि जो लिजेंड है वो रिसेप्टर ऑर्गन से कंबाइन करके, रिसेप्टर से कंबाइन करके अपना एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो हम फिर इस लिजेंड को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि लिजेंड दो तरह की हो सकती है। एक तो हमने पहले स्टडी कर लिया एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस, इसके अलावा फिर और दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक हम नाम देते हैं इट इज एगोनिस्ट और दूसरा हम नाम देंगे इट इज एंटागोनिस्ट। जब कोई भी लिजेंड को हम कब कहेंगे कि ये एगोनिस्ट है, कि जब वो लिजेंड हमारे रिसेप्टर के साथ कंबाइन कर रही हैं और कंबाइन करने के बाद वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तब हम उसे कहते हैं दीज लिजेंड्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एगोनिस्ट। अब ये जो एगोनिस्ट है, फर्दर इस एगोनिस्ट को लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एगोनिस्ट तीन तरह की होती हैं। पहला हमारा हो गया फुल एगोनिस्ट, दूसरा हुआ पार्शियल एगोनिस्ट, और तीसरा हो गया हमारा इनवर्स एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि लिजेंड रिसेप्टर से कंबाइन किया, मींस एगोनिस्ट रिसेप्टर से कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तब हम उस लिजेंड को कहेंगे इट इज ए फुल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जब कोई लिजेंड या कोई एगोनिस्ट रिसेप्टर से कंबाइन कर रहा है और वह फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मैक्सिमम नहीं है, मींस अब जितना वो करना चाहिए उतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है आफ्टर कंबाइनिंग द रिसेप्टर, तब हम उस तरह के एगोनिस्ट का नाम देंगे इट इज पार्शियल एगोनिस्ट। और थर्ड पॉइंट आ गया हमारा दैट इज द रिवर्स, दैट इज द इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट किसे कहेंगे, कि इनवर्स एगोनिस्ट मतलब क्या हुआ कि वैसा लिजेंड जो लिजेंड या वैसा एगोनिस्ट जो एगोनिस्ट रिसेप्टर से कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करने के बाद वो रिसेप्टर की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे रहा है, मींस जो रिसेप्टर की जो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने की जो उसकी कैपेसिटी थी वो उस कैपेसिटी को उसने डिक्रीज कर दिया, तब हम वैसे एगोनिस्ट का नाम देंगे या वैसे लिजेंड का नाम देंगे इट इज ए इनवर्स एगोनिस्ट।
अब दूसरा वर्ड आया हमारा, दैट इज द एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट को डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं कि जब कोई भी लीजेंड है वो लीजेंड रिसेप्टर से कंबाइन कर रहा है और रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे रहा है, मीन्स क्या वो रिसेप्टर अब तक किसी भी तरह का कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तब हम ऐसे लीजेंड का नाम देते हैं इट इज ए एंटागोनिस्ट। अब ये जो एंटागोनिस्ट है इनको फर्दर लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक हम नाम देते हैं इट इज ए रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट और दूसरा हम नाम देंगे इट इज ए इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो रिसेप्टर, वो लिजेंड रिसेप्टर से कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद उसको ब्लॉक किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां से वो डिसोसिएट हो गया, वो रिसेप्टर से अलग हो गया, मीन्स रिसेप्टर अब फ्री हो गए किसी दूसरे एगोनिस्ट से कंबाइन करने के लिए, तब हम इस तरह के एंटागोनिस्ट का नाम देंगे इट इज ए रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। और जब वर्ड आती है इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एंटागोनिस्ट है या जो लीजेंड है वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है और परमानेंटली उसको ब्लॉक कर दे रही है, मीन्स रिसेप्टर से वो डिसोसिएट नहीं हो रही है, रिसेप्टर से वो अलग नहीं हो रही है, तब हम वैसे एंटागोनिस्ट का नाम देंगे इट इज इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। अब जो हमारे जो रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है उस रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट को फर्दर हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक हम नाम देते हैं कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट और दूसरा हम नाम देंगे नॉन कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट। जब वर्ड आया कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट, तो कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट मतलब क्या हुआ कि दो लीजेंड है या दो सब्सटेंस है और दोनों दोनों उस रिसेप्टर से कंबाइन करना चाह रही हैं और उन दोनों में आपस में कंपटीशन हो रहा है और जो कंपीट कर गया, जो रिसेप्टर से कंबाइन कर लिया उस वो जो लीजेंड है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, तो उस समय कहेंगे इट इज ए कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट। होता क्या है कि सपोज करें कि हमारी ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, ये हमारी प्रोटीनस मैक्रो मॉलिक्यूल है जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के ऊपर एक साइट होती है जिस साइट से लीजेंड कंबाइन करती हैं और कंबाइन करके अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, उस साइट को हम लोग नाम देंगे इट इज द ऑर्थोस्टेरिक साइट। क्या हमने कहा रिसेप्टर्स के ऊपर एक साइट होगी जिस साइट से लीजेंड कंबाइन करेंगी और कंबाइन करने के बाद अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तब हम उस साइट का नाम देते हैं इट इज ऑर्थोस्टेरिक साइट। यदि सपोज करें कि दो लीजेंड है और दोनों लीजेंड आपस में कंपीट कर रही हैं और कंपीट कर किसके लिए कर रही हैं, तो उसी ऑर्थोस्टेरिक साइट के लिए, तब हम उस तरह की जो कंपटीशन होगी या उस तरह की जो रिएक्शन होगी उस कंपटीशन को हम नाम देंगे इट इज द कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। दूसरा वर्ड आया नॉन कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होगा कि सपोज करें कि ये रिसेप्टर है और रिसेप्टर के ऊपर ऑर्थोस्टेरिक साइट है और उस ऑर्थोस्टेरिक साइट के साथ लीजन कंबाइन करके अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन एंटागोनिस्ट भी अपना इफेक्ट वहाँ प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन एंटागोनिस्ट वो ऑर्थोस्टेरिक साइट से कंबाइन नहीं करेंगी, किसी दूसरे साइट से कंबाइन करेंगे, रिसेप्टर के ऊपर ही ऑर्थोस्टेरिक साइट के अलावा यदि किसी दूसरे साइट से हमारी लीजेंड कंबाइन कर रही हैं और कंबाइन करने के बाद वो उस तक ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है कि ऑर्थोस्टेरिक साइट ब्लॉक हो जा रहा है, तब हम उसे कहेंगे इट इज ए नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। मींस क्या हुआ कि हम लोगों ने एंटागोनिस्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक उन्होंने नाम दिया कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट और दूसरा उन्होंने नाम दिया नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। इस तरह उन्होंने तीन वर्ड्स को समझ गए कि रिसेप्टर्स क्या है, लीजेंड क्या है, एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है, चार वर्ड को समझ गए। अब हम लोग जो दो वर्ड और रह गए वो वर्ड हमारी है दैट इज द इंट्रिंजिक एक्टिविटी एंड ड्रग एफिनिटी। सबसे पहले हम लोग ड्रग एफिनिटी के बारे में जानते हैं। ड्रग एफिनिटी मतलब क्या हुआ कि वैसा कोई भी लीजेंड और उस लीजेंड की वो एबिलिटी की जिस एबिलिटी के साथ वो रिसेप्टर से कंबाइन करता है उस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इट इज द ड्रग एफिनिटी और लीजेंड एफिनिटी। मीन्स कि उस लीजेंड के अंदर कितनी एफिनिटी है, कितना पावर है, कितनी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी के साथ वो रिसेप्टर से कंबाइन करेगा तब हम उसे कहेंगे इट इज ए रिसेप्टर, इट इज ए एफिनिटी ऑफ द ड्रग। दूसरा वर्ड हमारा है दैट इज द इंट्रिंजिक एक्टिविटी। इंट्रिंजिक एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग है, ड्रग की एबिलिटी कि वो कंबाइन करने के बाद कितना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उस इफेक्ट का कितना स्ट्रेंथ है, किस स्ट्रेंथ से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जब उस स्ट्रेंथ के बारे में हम स्टडी करते हैं तब हम कहते हैं इट इज द इंट्रिंजिक एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि इंट्रिंजिक एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ लीजेंड टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आफ्टर कंबाइनिंग द रिसेप्टर्स। मतलब क्या हुआ कि यदि सपोज करें कोई ड्रग है वो ड्रग की एफिनिटी है कि रिसेप्टर से कंबाइन कर ले,
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंबाइन करने के बाद वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। यदि वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस भी कर रहा है तो हो सकता है अलग अलग ड्रग की जो सिमिलर एफिनिटी है लेकिन उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ सभी की अलग अलग होंगी और उस स्ट्रेंथ को हम नाम देते हैं इट इज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इस तरह से हमने जान लिया आपसे कि जो रिसेप्टर्स थ्योरीज हैं इन रिसेप्टर्स थ्योरीज में कुछ टर्म्स आती हैं और उन टर्म्स क्या क्या हैं और उस टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दैट इज द रिसेप्टर थ्योरीज। अच्छा, इस रिसेप्टर थ्योरी को समझने से पहले दो वर्ड और हैं जो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। पहला वर्ड हम लोगों ने स्टडी किया था, एक वर्ड था इनवर्स एगोनिस्ट और दूसरा वर्ड था हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसने रिसेप्टर के साथ कंबाइन किया और रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, मींस रिसेप्टर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तब हम उसे कहते हैं इट इज द एंटागोनिस्ट। दूसरा वर्ड हमारा है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या कहा गया कि जो रिसेप्टर है, जो लिजेंड है, वो लिजेंड रिसेप्टर से कंबाइन कर रही है और कंबाइन करने के बाद वो रिसेप्टर के एक्टिविटी को डिक्रीज कर दी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी इनवर्स एगोनिस्ट भी रिसेप्टर के द्वारा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। अब ये दोनों टर्म सिमिलर से लग रही है कि जो एंटागोनिस्ट है वो भी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है और जो इनवर्स एगोनिस्ट है वो भी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिविटी टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे कहेंगे कि कौन सा एंटागोनिस्ट है और कौन सा इनवर्स एगोनिस्ट है। इसे समझने के लिए हम अपने ग्राफ का हेल्प लेते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, ये रिस्पॉन्स है और ये हमारी डोज है। सपोज करें कोई ड्रग है, कोई लिजेंड है, उसको हमने बॉडी में अप्लाई किया और उसकी जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, तब उसे हमने नाम दिया है इट इज द फुल एगोनिस्ट। यदि सपोज करें कोई लिजेंड है, लिजेंड हमने अप्लाई किया रिसेप्टर से कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद वो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, मीन्स मैक्सिमम इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है, तो उसे कहेंगे इट इज द पार्शियल एगोनिस्ट। यदि सपोज करें कोई लिजेंड है, वो लिजेंड रिसेप्टर से कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद उस रिसेप्टर के एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं है, मींस वो कोई भी किसी भी तरह का कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम नाम दे सकते हैं एंटागोनिस्ट या इट इज कॉल्ड द नेचुरल एंटागोनिस्ट। अब तीसरा वर्ड आया दैट इज द इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा कि जब वो रिसेप्टर से कंबाइन करेगा तो रिसेप्टर के एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। एंटागोनिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिविटी को डिक्रीज नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको ब्लॉक कर रहा है और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। जबकि इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा कि रिसेप्टर के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, मीन्स वो इनवर्स एगोनिस्ट भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आप दोनों डिफरेंस समझ गए होंगे कि नेचुरल कंडीशन मेंटेन रहेगा और यहाँ क्या होगा कि रिसेप्टर जो एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और जब डिक्रीज हो जाएगी तो उसे कहेंगे हम लोग इट इज द इनवर्स एगोनिस्ट। एक पॉइंट और जान लेते हैं कि जो रिसेप्टर है और एगोनिस्ट है वो जब आपस में कंबाइन करती हैं, उनमें आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, तो हम जो इंटरेक्शंस है वो डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शंस हो सकती हैं और वो मेनली चार या पांच तरह की इंटरेक्शंस होती हैं और उन इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं। जो पहला हो सकता है इट मे बी आयोनिक इंटरेक्शन, इट मे बी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इट मे बी वैन डर वाल फोर्सेस इंटरेक्शन, इट मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इट मे बी कोवेलेंट बॉन्डिंग। मीन्स ये पांच तरह की जो इंटरेक्शन है रिसेप्टर हमारे सॉरी लिजेंड जो है वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन करके इस पांच तरह के इंटरेक्शन को प्रोड्यूस कर सकती है, मैंने पांच में से किसी भी एक तरह के इंटरेक्शन को प्रोड्यूस कर सकती हैं। इस तरह से हमने जान लिया जो वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को फैमिलियराइज हो गए कि ये वर्ड्स क्या क्या है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दैट इज द रिसेप्टर थ्योरीज। अब ये जो रिसेप्टर थ्योरीज हैं, जनरली तीन तरह की रिसेप्टर थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। एक हम नाम देते हैं ऑक्यूपेंसी थ्योरी, दूसरा नाम देंगे टू स्टेट्स मॉडल और तीसरा नाम देते हैं टर्नरी मॉडल थ्योरी। ऑक्यूपेंसी थ्योरी, टू स्टेट्स मॉडल एंड द टर्नरी मॉडल। अब जो सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज द अबाउट द ऑक्यूपेंसी थ्योरी। ऑक्यूपेंसी थ्योरी के बारे में क्या बताया जाता है कि एक हाइपोथेसिस थी कि जो ड्रग है वो ड्रग नर्व एंडिंग के साथ कंबाइन करती हैं और नर्व एंडिंग से कंबाइन करने के बाद अपना वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ये एक हाइपोथेसिस थी, लेकिन इस हाइपोथेसिस को काउंटर किया गया एक थ्योरी के द्वारा और उस थ्योरी का नाम दिया गया इट इज द ऑक्यूपेंसी थ्योरी। इस ऑक्यूपेंसी थ्योरी में क्या बताया गया
कि जो रिसेप्टर्स होंगे या जो ड्रग होगा वो ड्रग रिसेप्टर्स को ऑक्युपाई करेगा, मींस रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, रिसेप्टर्स को ऑक्युपाई कर रहा है या रिसेप्टर्स को बाइंड कर रहा है या रिसेप्टर के साथ वो एक रिसेप्टर के साथ वो कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करने के बाद, बाइंड होने के बाद वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, यहाँ पे ये कहा गया कि जो इंटरेक्शंस होंगी वो रिवर्सेबल होंगी और इट विल फॉलो द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये सपोज करें हमारे पास ये ड्रग मॉलिक्यूल है और यहाँ पास रिसेप्टर है, ये दोनों ड्रग रिसेप्टर आपस में कंबाइन हो गए, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, इसका नाम दिया गया ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या होगा, इट इज रिवर्सेबल इन नेचर होगा, मीन्स K1 होगा ये एसोसिएशन कांस्टेंट हो गया और K2 क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, और ये जो रिएक्शंस होंगी ये रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम को स्टेज को मेंटेन रखेंगे एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहां इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रग रिसेप्टर कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, और जब ड्रग रिसेप्टर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी इंक्रीज होंगी। मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। मीन्स हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग है इट इज प्रोपोर्शनली, ये प्रोपोर्शनली रिलेटेड है किससे, तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से, और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का जो अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन है वो प्रोपोर्शनली रिलेटेड है किससे, तो विद द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। मीन्स हम ड्रग के कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी इंक्रीज होगी। ड्रग के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का भी नंबर्स कम होंगे और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे ऑक्युपेंसी थ्योरी में ये एक थ्योरी बताई गई, और ये जो थ्योरी प्रपोज की गई थी, इस थ्योरी को जो रिकमेंडेशन की थी वो क्लार्क के द्वारा किया गया था, एक साइंटिस्ट थे क्लार्क, उनके द्वारा ये ऑक्युपेंसी थ्योरी को डेवलप किया गया था, और इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं, इट इज द क्लार्क ऑक्युपेंसी थ्योरी। अब ये जो क्लार्क ऑक्युपेंसी थ्योरी है इसको जो हम लोग पूरे इस लॉ ऑफ मास एक्शन या इस ड्रग रिसेप्टर की जो हम लोग कॉम्बिनेशन हो रही है, इस कॉम्बिनेशन पे जब हम लोग इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ड्रग रिसेप्टर ड्रग है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि ड्रग होगा वो रिसेप्टर्स को ऑक्युपाई करेगा और ऑक्युपाई करने के बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ कि जो ड्रग होगा रिसेप्टर साथ कंबाइन करेगा और ड्रग रिसेप्टर कंबाइन के बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना और ये इसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स कंबाइन होंगे उतना ज्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। मीन्स एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया कि ड्रग विल ऑक्युपाई द रिसेप्टर्स टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि ड्रग विल ऑक्युपाई मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेप्टर्स टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब तीसरा पॉइंट इसी से क्या हुआ कि देयर विल लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डोज ऑफ द ड्रग एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। मीन्स जैसे जैसे हम ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी इंक्रीज होती चली जाएंगी। तीसरा पॉइंट क्या कह गया कि जो ड्रग होगा वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक थ्योरी दी गई कि ऑल और नन, या तो वो ड्रग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। दो पॉइंट बताया गया कि जो ड्रग होगा जब एक रिसेप्टर से कंबाइन कर रहा है तो वहां वो या तो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या इफेक्ट बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेगा। मीन्स इट विल फॉलो द रूल ऑल और नन इफेक्ट। ऑल और नन इफेक्ट इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग होगा वो कोई भी पार्शियल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, देयर विल बी नो पार्शियल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। और लास्ट पॉइंट हुआ कि जो रिसेप्टर्स होंगे वो रिसेप्टर्स की स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी होगी, मींस जो रिसेप्टर है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और वो एक स्पेसिफिक
ड्रग के साथ ही कंबाइन करेगा, जैसे कि एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे थ्योरी प्रपोज की गई थी, लॉक एंड की थ्योरी। मतलब क्या हुआ कि एक की होगी वो किसी एक खास लॉक के साथ ही कनेक्ट होगी और तभी वो लॉक ओपन होगा। मीन जो लॉक और की थ्योरी आपस में जब लॉक और की आपस में कंबाइन होंगे तभी वहां पर एक्शन होगा। वही चीज यहाँ पे कहा गया कि जो रिसेप्टर्स होंगे उस रिसेप्टर्स की अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी जो एक स्पेसिफिक ड्रग के साथ कंबाइन करेगी और किसी दूसरे ड्रग के साथ वो कंबाइन नहीं करेगी। मींस इट इज स्पेसिफिक, इट हैज ए स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी। तो ये पांच और छह ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई किसके द्वारा, किसके अंदर, तो अंडर द ऑक्युपेंसी थ्योरी। बाद में फर्दर इसके जब स्टडी किया गया तो ऐसा देखा गया कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो ड्रग की ऑक्युपेंसी तो है, वो रिसेप्टर से कंबाइन तो कर रही है लेकिन वहां पे वो मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो फिर इसको काउंटर किया गया, कहा गया कि क्लार्क्स जो ऑक्युपेंसी थ्योरी है उस क्लार्क्स ऑक्युपेंसी थ्योरी में थोड़ी मिस्टेक्स है और इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया। और जिस साइंटिस्ट ने इसे मॉडिफाई किया उनका नाम यह है एरिंस, और उसका नाम इस थ्योरी का नाम देंगे एरिंस मॉडिफाइड ऑक्युपेंसी थ्योरी। एरिंस मॉडिफाइड ऑक्युपेंसी थ्योरी में उन्होंने क्या डिमोन्स्ट्रेट किया कि कुछ ड्रग ऐसे हैं जो ड्रग हम बॉडी के अंदर जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो रिसेप्टर के साथ कंबाइन तो कर रही हैं लेकिन वो मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। वहां जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो पार्शियल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, मीन्स दीज आर द पार्शियल एगोनिस्ट। अब ये जो पार्शियल एगोनिस्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्या क्या प्रपोज किया कि जो हमारे जो ड्रग रिसेप्टर्स के अंदर जो बताया गया था कि ऑल और नन इफेक्ट ऐसा नहीं होता, या यहाँ कहा गया कि नो पार्शियल इफेक्ट प्रोड्यूस ऐसा नहीं होता, कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो कि कंबाइन करने के बाद कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है और उस इफेक्ट को हम उनका नाम देते हैं इट इज द पार्शियल एगोनिस्ट। अब इस पार्शियल एगोनिस्ट के फंक्शंस को या पार्शियल एगोनिस्ट के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एरिंस ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया और उस वर्ड का नाम दिया गया इंट्रिंजिक एक्टिविटी। इंट्रिंजिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कोई भी ड्रग होगा उस ड्रग की एक एबिलिटी होगी कि वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन करने के बाद वो अपना एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे और जिस एक्सटेंड तक वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो इफेक्ट हम लोग क्या कहेंगे इट इज द पार्शियल एगोनिस्ट या पार्शियल इफेक्ट है और उस एबिलिटी को कहेंगे इट इज द इंट्रिंजिक एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि इंट्रिंजिक एक्टिविटी का दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं एफिकेसी। एफिकेसी मतलब क्या हुआ कि एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर कंबाइनिंग विद द रिसेप्टर विल बी कॉल्ड एज ए इंट्रिंजिक एक्टिविटी। और इस इंट्रिंजिक एक्टिविटी में यह माना गया कि जो क्लार्क के द्वारा प्रपोज किया गया था कि ऑल और नन इफेक्ट या पार्शियल इफेक्ट नहीं होता है या सिर्फ ऑल और नन इफेक्ट होता है वो गलत है और जो कुछ ड्रग ऐसे हो सकते हैं जो ड्रग हमारे सिर्फ पार्शियल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और उस ड्रग को नाम देंगे इट इज द पार्शियल एगोनिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करें कोई ड्रग है उसकी एफिनिटी तो है वो ड्रग रिसेप्टर साथ कंबाइन करने के लिए, सपोज करें हमारे पास दो ड्रग है, हमारे पास तीन ड्रग है और तीनों की इक्वल एफिनिटी है वो रिसेप्टर साथ कंबाइन करे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि रिसेप्टर साथ कंबाइन करने के बाद जो तीनों की जो एक्टिविटी होगी या तीनों का जो इफेक्ट होगा वो सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब एक्सटेंट जो होगा वो सिमिलर होगा, किसी की एक्सटेंट ज्यादा हो सकती है, किसी की फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा हो सकती है और दूसरे की फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उससे कम हो सकती है। जब वो मैक्सिमम होगा तो उसको हम नाम देते हैं फुल एगोनिस्ट, जो कि फुल एगोनिस्ट है, और जो जो यदि वो कम हो गया तो क्या नाम देंगे इट इज द पार्शियल एगोनिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लार्क्स ऑक्युपेंसी थ्योरी था वो तो हमारी जो फुल एगोनिस्ट है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा है कि हाँ ये फुल एगोनिस्ट है और वो पार्शियल एगोनिस्ट ऑक्युपेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो फॉलो हो रहा है, लेकिन यदि कोई पार्शियल एगोनिस्ट है उसको ऑक्युपेंसी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है और उसके लिए एक मॉडिफिकेशन दी गई और मॉडिफिकेशन दिया गया किसके द्वारा तो बाय साइंटिस्ट एरिंस। हम उस नाम देंगे एरिंस मॉडिफाइड ऑक्युपेंसी थ्योरी। उसका फर्दर इसके ऊपर स्टडी की गई, फिर ऐसा पाया गया कि क्लार्क्स ने जो प्रपोज किया था कि जो रिसेप्टर्स होंगे उनकी स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी होगी, मीन्स कि ये लॉक एंड की मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, ये पाया गया कि ऐसा पॉसिबल है कि सभी ड्रग लॉक एंड की मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करती हैं उसके बाद भी अपना वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं।
इसमें यह बताया गया कि जो रिसेप्टर जब सॉरी जो एगोनिस्ट है या जो लीजेंड है जब वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद रिसेप्टर के कंफर्मेशन को चेंज कर देंगे, मतलब क्या हुआ कि उसका स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देंगे और वो स्ट्रक्चर ऐसा चेंज होगा कि लीजेंड आसानी से उस रिसेप्टर के साथ फिट हो जाए। मतलब क्या हुआ कि लॉक एंड की मैकेनिज्म जो प्रपोज की गई थी क्लार्क के द्वारा वो गलत थी और उन्होंने कहा कि हम इसको इस तरह से देखते हैं कि कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद रिसेप्टर के कंफर्मेशन को चेंज करेंगे, रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद वो एगोनिस्ट या वो हमारी जो लीजेंड है आसानी से रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाकर अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इस तरह से हम उन्होंने यह देखा स्टडी किया कि ऑक्युपेंसी थ्योरी क्या होती है। अभी जो एरिंस की जो मॉडिफाइड ऑक्युपेंसी थ्योरी है उसको हम इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। सपोज करें कोई ड्रग है, उस ड्रग की ऑक्युपेंसी है कि उस ड्रग को इतना वो ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन वही ड्रग जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स से कम हो रहा है। मतलब क्या होगा कि ऑक्युपेंसी तो कंप्लीट थी, रिसेप्टर्स को उसने फुल्ली कंबाइन कर लिया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या हो गया, इफेक्ट उसका कम हुआ। तो इस इफेक्ट को क्या नाम देंगे, इट इज द पार्शियल एगोनिस्ट एंड इट इज ओनली ड्यू टू द इंट्रिंजिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग या इंट्रिंजिक एक्टिविटी ऑफ द लीजेंड। दूसरा हम लोग ग्राफ बना सकते हैं कि ऑक्युपेंसी है कि ड्रग ने रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो ज्यादा हो रहा है। मतलब इसे क्या कहेंगे, इट इज द फुल एगोनिस्ट। दिस विल फिट विद द थ्योरी प्रपोज्ड बाय द क्लार्क्स, दैट इज द ऑक्युपेंसी थ्योरी, एंड दिस विल फिट विद द थ्योरी प्रपोज्ड बाय द एरिंस, कॉल्ड द एरिंस मॉडिफाइड ऑक्युपेंसी थ्योरी। तो इससे हमने जाना आज कि ऑक्युपेंसी थ्योरी क्या है, और ऑक्युपेंसी थ्योरी को हम फिर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लार्क्स ऑक्युपेंसी थ्योरी, सेकंड वन इज द एरिंस ऑक्युपेंसी थ्योरी, एंड थर्ड वन इज द स्टीफेंसन ऑक्युपेंसी थ्योरी। स्टीफेंसन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये कहा था कि लॉक एंड की जो मैकेनिज्म है वो फॉलो नहीं होता, वो ऑब्जर्व नहीं होता। ड्रग की कैपेसिटी होती है कि ड्रग रिसेप्टर्स के कन्फर्मेशन को चेंज करके अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। इस तरह से हमने अभी स्टडी किया कि ऑक्युपेंसी थ्योरी क्या होती है। अब दो थ्योरी बच गई, ब्रेक के बाद हम लोग उन दोनों थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी तक हम डिस्कस किया ऑक्युपेंसी थ्योरी के बारे में, अब दो थ्योरीज और बच गई। एक उन्होंने कहते हैं टू स्टेट्स मॉडल और दूसरा वो कहते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स मॉडल। सबसे पहले हम जब भी जानेंगे कि टू स्टेट्स मॉडल क्या है। जब उन्होंने ऑक्युपेंसी थ्योरी स्टडी किया था तो वहां पे रिसेप्टर्स के एक्टिवेशंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया था कि रिसेप्टर्स एक्टिवेट कैसे होती हैं। उस रिसेप्टर के एक्टिवेशन के लिए एक दूसरा मॉडल प्रोड्यूस किया गया रिसेप्टर थ्योरीज के अंदर, और उस मॉडल का नाम दिया गया टू स्टेट्स मॉडल। टू स्टेट्स मॉडल में यह बताया गया कि कोई भी जो रिसेप्टर्स होंगे वो रिसेप्टर्स दो कन्फर्मेशनल स्टेज में एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स रिसेप्टर्स का कुछ पोर्शन होगा या कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होंगे जो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो एक्टिव फॉर्म में होंगे, और ये दोनों की दोनों जो रिसेप्टर्स होंगे वो दोनों रिसेप्टर्स एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और जब रेस्टिंग स्टेज होगा वहाँ पे कोई भी ड्रग या कोई भी लीजेंड या कोई भी एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट मौजूद नहीं है, उस कंडीशन में जो हमारी जो इक्विलिब्रियम है इट विल बी फेवर टुवर्ड्स द इनएक्टिव स्टेट। मीन्स जो मैक्सिमम रिसेप्टर्स होंगे वो इनएक्टिव स्टेज में। इससे हम लोग अपने डायग्राम से समझ सकते हैं ये क्या कहा जा रहा है कि टू स्टेट्स रिसेप्टर मॉडल। इसमें क्या कहा गया कि जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स दो स्टेज में एग्जिस्ट कर रही हैं, एक स्टेज कहेंगे इनएक्टिव स्टेज और दूसरा कहेंगे एक्टिव स्टेज, और ये जो रिसेप्टर्स होंगे दे ऑलवेज इन द इक्विलिब्रियम स्टेज। लेकिन जब रेस्टिंग पोजिशन होगा तो इनएक्टिव रिसेप्टर्स का नंबर ज्यादा होंगे कंपेयर टू द एक्टिव रिसेप्टर्स। मीन जो इक्विलिब्रियम होगा इट विल फेवर द इनएक्टिव स्टेज फॉर्मेशन। अब सपोज करें कि यहाँ पे जो ड्रग है कोई एगोनिस्ट आई, वो एगोनिस्ट आई और एगोनिस्ट जब आएंगे तो वो क्या होगा कि वो एक्टिव रिसेप्टर से कंबाइन करेगा। सिर्फ यहाँ पे एगोनिस्ट आई और ये हमारे इनएक्टिव है, एक्टिव है, ये इक्विलिब्रियम में है, और जो एगोनिस्ट है वो एक्टिव रिसेप्टर से कंबाइन कर ली, और एक्टिव रिसेप्टर कंबाइन होने के बाद अभी जो एक्टिव रिसेप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। कुछ एक्टिव रिसेप्टर ऐसे होंगे जहां पे हमारी जो एगोनिस्ट है वो ऑक्युपाई नहीं कर रही है, कंबाइन नहीं कर रही है, और कुछ ऐसे होंगे जो जहाँ पे एक्टिव रिसेप्टर्स एगोनिस्ट कंबाइन हो जाएंगे।
अभी जो एक्टिव साइटोसाइन एग्निस्ट कंबाइन होगी वो इक्विलिब्रियम से अलग हट जाएगी। अब क्या होगा कि इन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी, नतीजा क्या होगा कि फेवर किधर किधर जाएगा तो एक्टिव स्टेज की तरफ, मीन्स जो इनएक्टिव रिसेप्टर्स होंगे उनके नंबर कम हो जाएंगे और एक्टिव रिसेप्टर्स के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। और इस तरह से जैसे जैसे एग्निस्ट आते जाएंगे ये रिसेप्टर्स मूव होते चले जाएंगे और जो इनएक्टिव रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिव रिसेप्टर्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। जस्ट अपोजिट देखें, हमारे पास कोई ड्रग है वो एंटागोनिस्ट है, जब एंटागोनिस्ट होगा तो एंटागोनिस्ट ड्रग होगा वो इनएक्टिव रिसेप्टर से कंबाइन करेगा, जब इनएक्टिव रिसेप्टर से कंबाइन करेगा नतीजा क्या होगा कि इनएक्टिव रिसेप्टर का नंबर कम हो जाएंगे और इनएक्टिव रिसेप्टर्स के नंबर कम हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के जो एक्टिव रिसेप्टर्स होंगे वो किधर को शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द इनएक्टिव रिसेप्टर्स। और इस तरह से जो हमारी ये एंटागोनिस्ट इनएक्टिव रिसेप्टर्स से कंबाइन होते रहेंगे और यहां पे नंबर कम होते रहेंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो एक्टिव रिसेप्टर्स होंगे वो इनएक्टिव रिसेप्टर्स में कन्वर्ट होते रहेंगे और इस तरह से जो एंटागोनिस्ट होगा वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, मीन्स वो एक्शन को ब्लॉक कर देगा। अब सपोज करें कि कोई ऐसा हमारे पास ड्रग है, कोई ऐसी एगोनिस्ट है जो दोनों से कंबाइन हो रही है, मीन्स वो हमारे इनएक्टिव स्टेज से भी कंबाइन हो रही है और हमारे एक्टिव स्टेज से भी कंबाइन हो रही है। यदि उनकी कम्बिनेशन एक्टिव स्टेज से ज्यादा है कंपेयर टू द इनएक्टिव स्टेज, उस समय क्या होगा कि ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और इसे लोग कहेंगे इट इज द पार्शियल एगोनिस्ट। मींस क्या होगा कि यहाँ पे दोनों की तरफ कम्बिनेशन हो रही है, यहाँ भी एंटागोनिस्ट भी इनएक्टिव फॉर्म में भी कंबाइन कर रहा है और यही ड्रग एक्टिव फॉर्म से भी कंबाइन कर रहा है, लेकिन जो एक्टिव फॉर्म की कम्बिनेशन है वो ज्यादा है कंपेयर टू द इनएक्टिव फॉर्म। नतीजा क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द एक्टिव फॉर्म और ये ड्रग भी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे और इसे हम क्या कहेंगे इट इज द पार्शियल एगोनिस्ट। यहाँ पे जो ड्रग प्रोड्यूस कर रही थी ये सिर्फ एक्टिव फॉर्म हो रही थी, इसे हम नाम दे सकते हैं इट इज द फुल एगोनिस्ट। तीसरे समूह ने देखा कि जो ड्रग है वो ड्रग जो रिसेप्टर्स हैं दो स्टेज में एग्जिस्ट करती हैं, एक हम कहेंगे इनएक्टिव रिसेप्टर और दूसरे हम लोग कहेंगे एक्टिव रिसेप्टर्स और ये दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेज को मेंटेन रखेंगे और इस मॉडल का नाम दिया गया टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी जो ड्रग मॉलिक्यूल जो लिगेंड है दोनों इक्वली कंबाइन हो, मींस वो जितना इनएक्टिव फॉर्म से कंबाइन हो रही है उतना ही वो एक्टिव फॉर्म से कंबाइन हो रही है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है और ना के बराबर है, ये प्रैक्टिकली ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि कोई ड्रग दोनों से इक्वली कंबाइन करें, जितना वो कंबाइन हो रहा है इनएक्टिव से उतना ही कंबाइन हो रहा है वो एक्टिव से, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो ड्रग होगा उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, या तो वो इनएक्टिव फॉर्म से ज्यादा कंबाइन करेंगी या वो एक्टिव फॉर्म से ज्यादा कंबाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। देखा कि ये टू स्टेट्स रिसेप्टर मॉडल है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट मॉडल है दैट इज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी कॉम्प्लेक्स में कहा जा रहा है कि यहां पे क्या होगा कि थ्री मॉलिक्यूल्स होंगे, थ्री प्रोटीनस, ये कह सकते हैं कि जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है ये एक प्रोटीनस कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर थ्री मॉलिक्यूल्स पाई जाती हैं और वो तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बाइंड होती हैं। और वो थ्री मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, जो बेसिकली जो सबसे पहले जो बताया गया थ्री मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स हमारी लिगेंड रिसेप्टर एंड जी प्रोटीन, लिगेंड रिसेप्टर्स एंड जी प्रोटीन, और ये तीनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, उस कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे इट इज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स। जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे डिसोसिएशन होती है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करती है, मीन सपोज करके आर रिसेप्टर है, इस आर रिसेप्टर से एक लिगेंड ए कंबाइन हो रहा है और इसे जो हमारी जो रिएक्शन बन रही है वो ए आर बन रही है, दूसरा सबसे हमारी ड्रग बी है वो भी इसी आर से कंबाइन हो रही है और जो कॉम्प्लेक्स बना रही है उसके अंदर दैट इज द आर बी। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन रही है ये कॉम्प्लेक्स जो दोनों से बन रही है, ए से भी बन रही है और बी से भी बन रही है, और इसी को जो हमारी जो कॉम्प्लेक्स बनी उसका नाम क्या दिया गया ए आर बी, और ये ए आर बी क्या हो गया इट इज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो ड्रग ए है और ड्रग बी है कि किसका इफेक्ट कितना होगा वो डिपेंड करेगा उसके कोफैक्टर पे, मीन्स हम एक वर्ड यूज करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कहा जा रहा है कि सपोज करें किसी भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स का कोफैक्टर है वो वन है या वन से ज्यादा है। कोफैक्टर का मतलब क्या हो गया कि दोनों ड्रग, ड्रग ए और ड्रग बी, ये जो दोनों की दोनों ड्रग है ये दोनों ड्रग एक दूसरे के एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे, मीन्स जो ड्रग ए है वो कितना आर से कंबाइन होगी या ड्रग बी है वो कितना आर से कंबाइन होगी, इसकी जो एफिनिटी होगी वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं।
और यदि वो जो को फैक्टर एफिनिटी फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहा है, यदि को फैक्टर वन से ज्यादा होगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इट इज द पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट। यदि वो वन से कम होगा तो उसे कहेंगे इट इज ए निगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट, और यदि को फैक्टर जीरो है तो कहेंगे इट इज ए न्यूट्रल एलोस्टेरिक इफेक्ट। अब जो एलोस्टेरिक वर्ड आया, हम इस एलोस्टेरिक इफेक्ट को एक और वर्ड यूज कर सकते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। यदि वो कोफैक्टर वन या वन से ज्यादा है तो कहेंगे वहां पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन हो रही है, यदि कोफैक्टर वन से कम है तो कहेंगे निगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन हो रही है, यदि वो कोफैक्टर जीरो है तो कहेंगे वो न्यूट्रल एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन हो रही है। अब प्रश्न ये है कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन है क्या। यहाँ पे कहा गया जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन है उसके लिए एक वर्ड है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। हम लोग पहले जान चुके हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं इस रिसेप्टर्स के पर दो साइड होते हैं, एक हम लोग नाम देते हैं ऑर्थोस्टेरिक साइड और दूसरा नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइड। सपोज करें कि ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के ऊपर दो साइड है ऑर्थोस्टेरिक साइड और दूसरा क्या है एलोस्टेरिक साइड। ऑर्थोस्टेरिक साइड मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग है वो इस रिसेप्टर से कंबाइन करेंगे, ऑर्थोस्टेरिक साइड से कंबाइन रिसेप्टर के ऑर्थोस्टेरिक साइड से कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। यदि सपोज करें कि एक दूसरा लीजेंड एक दूसरा ड्रग है जो दोनों के साथ दिया जा रहा है, हो सकता है वो ड्रग किससे कंबाइन करे एलोस्टेरिक पॉइंट से, जो वो एलोस्टेरिक पॉइंट से कंबाइन करेगा तो इसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो इसके कन्फर्मेशन को चेंज करेंगे, और इसे कन्फर्मेशन चेंज करने से वो जो जो ड्रग है जो ड्रग ए है जो यहाँ कंबाइन हो रही थी उस ड्रग ए के कम्बिनेशन के एफिनिटी को ये अफेक्ट करेंगे, ये इसके एफिनिटी को इंक्रीज भी कर सकती है और ये इसके एफिनिटी को डिक्रीज भी कर सकती है। मीन्स क्या हुआ कि ड्रग सपोज एक एग्जाम्पल है हमारे पास एक ड्रग ए है जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है बाय द कंबाइनिंग विद द ऑर्थोस्टेरिक साइट ऑफ द रिसेप्टर। अब सपोज करें हमारे पास ड्रग बी है, उस ड्रग बी का हम नाम देंगे इट इज द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। अभी जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है वो क्या करेगा कि वो एलोस्टेरिक साइड से कंबाइन करेगा, लेकिन यहाँ कंबाइन करने के बाद वो इसके कन्फर्मेशन को चेंज कर देगा। कंबाइन तो एलोस्टेरिक साइड से हो रहा है लेकिन कन्फर्मेशन किसी चेंज कर रही है ऑर्थोस्टेरिक साइड की। अभी जो कन्फर्मेशन चेंज होगी उससे क्या होगा कि ड्रग ए की एफिनिटी जो होगी वो इंक्रीज भी हो सकती है और वो डिक्रीज भी हो सकती है। यदि वो इंक्रीज होगी तो कहेंगे इट इज अ पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, या इसे कहेंगे एलोस्टेरिक पोटेंशिएटर, या इसे कह सकते हैं एलोस्टेरिक इनहांसर। और यदि ये यहाँ पे ये जो और ड्रग ए के एफिनिटी को डिक्रीज कर दिया तो उसमें क्या नाम देंगे इट इज द निगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। और इस तरह से हमने जान लिया कि रिसेप्टर्स थ्योरी क्या होती है और इस रिसेप्टर्स और जो ड्रग है वो ड्रग रिसेप्टर्स से कंबाइन करके किस तरह से अपने एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं। तो आज अपने हम वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे करेंगे अपलोड। इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।